चिकन फ्राइड भी गया लगता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल हॉलिक रॉबिन। आज हम लोग आए हैं इमेजिका थीम पार्क। गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं इमेजिका और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इमेजिका थीम पार्क। और बस अभी गाड़ी को पार्क करते हैं। थीम पार्क की रेगुलर टिकट के लिए आपको पे करना होता है 1399 रुपीस प्लस टैक्सेस, और अगर आप एक्सप्रेस टिकट लेते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होता है 2099 प्लस टैक्सेस। हमने अपने टिकट ले ली है और बैंड भी मिल गया है, और साथ में हमें एक वाउचर भी मिला है। इसमें हमें डिटेल्स अपना फिल करके थीम पार्क के उधर एक शॉप में हमें उसे ड्रॉप करना है। सबसे ज़्यादा रश होता है वो होता है नाइट्रो राइड में और स्क्रीम मशीन में। बहुत लंबी क्यू रहती है। तो हम लोगों ने तो एक्सप्रेस टिकट लिया था तो हमारा हो गया फटाफट, हमें ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। और अभी बहुत गर्मी है तो मैं काला खट्टा गोला एंजॉय कर रही हूँ। काला खट्टा गोला खा के मज़ा आ गया, इट्स सो रिफ्रेशिंग। सो लेट्स गो, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है अभी। इस राइड में रॉबिन बैठा हुआ है, देखते किधर है। तो अभी रॉबिन ने की थी गोल्ड रश एक्सप्रेस राइड, वो करने के बाद रॉबिन की हो गई है हालत अभी टाइट। तो अभी वो थोड़ा रेस्ट लेगा, उसने बोला है, उसके बाद हम अपना शूट कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। तो बच्चों को मार रहे दे दे। इस साइड में आपको इनफैक्ट अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, बाहर से भी आप लोगों को पानी मार सकते हैं और अंदर से तो खैर मार ही सकते हैं और गीला कर सकते हैं। रॉबिन ने बच्चों को गीला कर दिया, बेचारे बच्चे, मैंने थोड़ा ही किया उन्हें। ये हॉन्टेड प्लेस में हम जा रहे हैं, शालीमार शालीमगर। डूड, इधर क्या होने वाला है?
रॉबिन पूरा अंधेरा है यहाँ। एक्सप्रेस टिकट का फायदा तो देखो, मैं और रॉबिन यहाँ पे अकेले खड़े हैं, कोई भी नहीं है, और वहाँ देखो रेगुलर टिकट। अभी हम लोग जिस हॉन्टेड प्लेस में गए थे, इट वॉज सीरियसली अमेजिंग। उसका जो अंदर का सेटअप था पूरा हॉन्टेड था, उसमें जैसे राजा के सिपाही थे, आप पे हमला करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग भूत थे, भूतनी भी थी, मज़ा आ गया। और वेब था चारों तरफ, अंधेरा ही अंधेरा था। और सबसे फनी पार्ट था वो ये था, जब हमारा राइड एंड होने वाला था तो वहाँ पे किसी को बिठाया था कोने में, वो एकदम से हमारे ऊपर ऐसे हमला किया, हम सब लोग डर गए, हमने सोचा नहीं था। पूरे राइड में जितना हमें डर नहीं लगा, वो हमें सिर्फ एक लास्ट एंड पॉइंट पे आके लगा। बट इट वॉज़ रियली सुपर राइड, मज़ा आ गया। आप लोगों को ये राइड ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसमें छोटे बड़े बच्चे सब लोग जा सकते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली राइड। सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट राइड। हमें शूट लेने के लिए मना किया गया था, इसलिए हमने इसका शूट नहीं लिया। अभी हम लोग गए थे मिस्टर इंडिया राइड पे, बहुत मज़ा आया। ये आज का हमारा वन ऑफ द बेस्ट राइड था, और इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसमें मिस्टर इंडिया के बच्चों को मोगैम्बो लेकर चला जाता है, और हमें उन बच्चों को बचाना होता है। तो उसके लिए हमें एक गाड़ी में बिठा दिया जाता है, और स्क्रीन पर वो मूवी चलाई जाती है, एनिमेटेड है, जिसमें जो मूवी में चल रहा होगा, जैसे आप रोलर कोस्टर से जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, फिर एकदम से हवा में आ गए हैं, मतलब पूरा पहाड़ों के बीच में से, वो आपको फील बैठे बैठे विद सडन जर्क्स और थोड़ा हवा में ऊपर लेकर जाते हैं फिर नीचे, वो एकदम पूरा फील आता है रोलर कोस्टर का, मज़ा आ गया। अगर आपको रोलर कोस्टर राइड जो हाई स्पीड वाले होते हैं उसमें डर लगता है, तो आपको ये मिस्टर इंडिया वाला राइड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फैमिलीज़ के लिए एकदम सुपर है, बिल्कुल डर नहीं लगता और मज़ा बहुत आता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, सो लेट्स गो। रविंद्र तुम्हें कच्ची कैरी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं गला खराब है। Thank you.
हमने एग्जिट कर दिया है अली बाबा 40 चोर से। ये बहुत ही सिंपल राइड है, इसका जो थीम है वो चोरों पे है। आपको चोरों को मारना होता है और खजाना चुराना होता है, तो उसके बेसिस पे ये पूरा सेटअप किया हुआ है अंदर, और डर नहीं लगता है, मज़ा आता है बस। लेट्स गो। अभी जिस राइड में हम लोग जाने वाले हैं उसमें हम लोग गीले हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बैगेज काउंटर पे हम लोग अपना बैग रख देंगे। हमने लिया है नॉर्थ इंडियन मील, इसमें है तंदूरी रोटी, दम बिरयानी, पनीर की सब्जी, दाल, गुलाब जामुन, रायता और छाछ। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया खा के। ये वाला जो राइड है ये मैंने बचपन में भी बहुत किया है, लेकिन अभी खाना पीना खा के पेट फुल हो गया है, और ये क्या स्पिन करता है और इसमें सडन स्पिन होता है और फिर वो एक्सेलरेट होता है। अभी मुझे लग नहीं रहा हम लोग कर पाएंगे राइड, बट थोड़ा सा इसको शूट लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग जाने वाले हैं टमे टेक ऑफ में, जो मैं टेक ऑफ करेगा। हमने सोचा था हम ये ब्रेथ ऑफ गॉड्स वाला राइड भी करेंगे, इस राइड के बारे में हमने काफ़ी सुना है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आज अंडर मेंटेनेंस है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। छोटा भीम बच्चों का रोलर कोस्टर है, बट फिलहाल ये बंद है ड्यू टू मेंटेनेंस।
गाइस हमने इमेजिका थीम पार्क से एग्जिट कर दिया है। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ पे, और सारे राइड्स तो हम लोग नहीं कर पाए बट काफ़ी कुछ हमने कवर किया है। और यहाँ पे वाटर पार्क थीम पार्क दोनों एक दिन कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों बहुत बड़े हैं यहाँ पर, इसलिए हमने दोनों पार्क अलग अलग दिन कवर किए हैं। और अगर आपने हमारा वाटर पार्क का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं हमारे घर के लिए और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग करने वाले हैं, कौन सा राइड है ये? हाथी वाला। टेक ऑफ। मैजिका थीम पार्क एग्जिट मार दिया है और नहीं